नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मण है और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। इस कहानी की लेखिका हैं इशरत जहां और चित्रकार प्रशांत सोनी। इस कहानी का नाम है उल्लू है क्या। माँ, मैं खेलने जा रहा हूँ। तुम उल्लू हो क्या? भला रात में कोई खेलता है? मैं किताब पढ़ रहा था पर किताब उल्टी थी। तुम उल्लू हो क्या जो उल्टी किताब पढ़ रहे हो? एक दिन वह जा रहा था पर सामने गड्ढा था। तुम उल्लू हो क्या जो गड्ढा भी नहीं दिखा? वह उदास था, सोच रहा था सब उसे उल्लू क्यों कहते हैं। तभी एक उल्लू आया, उसे ले उड़ा। तुम कौन हो? मैं उल्लू हूँ। अच्छा, क्या तुम भी रात में खेलते हो? नहीं। उल्टी किताब पढ़ते हो? नहीं। मेरी तरह गड्ढे में गिरते हो? बिल्कुल नहीं। तुम ये सब नहीं करते तो फिर तुम उल्लू कैसे हो? अब समझा। अरे, मेरा तो नाम ही उल्लू है। पर तुम उल्लू नहीं हो, तुम तो मासूम बच्चे हो। चलो तुम्हें घर छोड़ दूं। पर मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा नाम उल्लू क्यों है? अरे, तुम उल्लू हो क्या जो समझ नहीं आता? पर उल्लू तो तुम हो, मैं तो मासूम हूँ। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी थी ना? आओ अब इस कहानी पे थोड़ी बातचीत हो जाए। जैसे इस छोटी गिलहरी को सब डांटते समय उल्लू कहते थे, तुम बताओ तुम्हें कैसे डांट पड़ती है? तुम्हें क्या लगता है उल्लू ने छोटी गिलहरी को क्यों उठाया? और जब ले ही गया था तो वापस घर क्यों छोड़ा? तुम्हें क्या लगता है उल्लू गिलहरी से इतना परेशान क्यों हो गया?